हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब सही होंगे, फिट होंगे। और मेरा दरवाज़ा बन गया तो आवाज़ आ गई। आज ना कल पूरा रात हम सोए नहीं थे ना, तो छत पे मैंने वीडियो में दिखाया आपको। सो आज मेरे मामू आने, मुझे देखने आ रहे हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो उस टाइम मैंने मना कर दिया था। अभी मैं रिकवर हो चुकी हूँ। सो उनके लिए खाना वगैरह बनाने जा रही थी। खाना क्या बनाने जा रही थी? मैंने चिकन मंगाया था और सोच रही थी बिरयानी बनाए, तो अभी बर्थडे आने वाला है मेरा, फिर हमने कहा कि बर्थडे वाले दिन बनाएंगे। और मास्क के ढेर लगे रहते हैं और चिकन बनाएंगे। चिकन की रेसिपी मैं पहले से एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं अब जैसे बनाऊँगी बस वैसे दिखा दूँगी, रेसिपी नहीं करूँगी। रेसिपी मैं एक ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने ये सूट घर में पहनने के लिए निकाल दिया है, और आज मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई क्योंकि मौनी जब भी आती ना तो डांट लगाती हैं उसकी। सब मैं दुपट्टा इसका ले लूँ। और ये मैंने जो ऊपर फ्लावर दिखाए थे ना आपको, वो मैं तोड़ रही हूँ और इसको मैंने पानी में डाल के रख दिया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, रियल रोज है ना। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, मैंने इसको रख दिया। मुझे इतनी खुशी कभी केक को लाइफ में देख के नहीं हुई जितनी इस टाइम हो रही है, बिकॉज मिल नहीं रहा है और इतना टेस्टी लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं सब खा जाऊं, एक मेरा है नहीं, लेकिन एक एक सबका है ये हम लोगों का। और मुर्गी आई थी तो उसको कुछ दौड़ा रहा था, तो उसको ये उल्टा सीधा हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने आज ये सूट पहनने के लिए इसलिए निकाला बिकॉज मेरे सारे सूट में ना कुछ हो गया, और दो साल से शॉपिंग वैसे उस तरीके से नहीं हुई। अदरवाइज़ हम लोग सर्दी के गर्मी के कपड़े इस तरीके से ख़रीदते थे, और शायद ने भी ईद वाला पहन लिया। मैंने तो इसे निकाल दिया है बस यूज़ के लिए, और दो तीन जोड़े भी निकालने हैं। कुछ शरारा गरारा टाइप के सूट हैं तो वो हटाने हैं मुझे, उसका कुछ करेंगे। मम्मा को इंडेक्स में गाने डालना ना, उनको मोबाइल मिल जाता है ना उस टाइम। ये बाल जो इतने लंबे लंबे हो गए, बस खुलने वाला है लॉकडाउन, और लॉकडाउन खुले होगा बाल कटेंगे ना, ये हमसे नहीं कटवाएंगे। पार्क जाऊँ? पार्क? पार्क जाओगे? पार्क नहीं ले जाएंगे तुमको। अच्छा भाग जाएंगे, भाग जाओ। अब उधर की विंडो लगनी है, जैसे ही सब खुले बस बहुत सारा काम पड़ा जो होना है। ऊपर आपने देखा होगा मेरे झूले की सीट भी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या, जब से घर बनाया ना तब से यही सब चल रहा है। और मैंने चूड़ी मैचिंग करके पहनी है, आप बताना मैच कर रही कि नहीं कर रही है। मैच कर रही है ना? मैच कर रही है, दुपट्टे से मैच कर रही है। इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगता है, बड़ा एंटीक पीस था ना। चाय मेरी बन रही है, बस ये छत पे भाग गए, और छत पे इन्होंने कहा कि मुझे छत पे चाय लेके आओ, साहब को भेजा सामान। हमारे घर में सिर्फ एक ही साहब है जो कि हैं सात साहब, जिनसे हम कोई जीतते नहीं है। चाय बनने के बाद ना हाल के हाल इसको जो है पानी में डाल दिया करें, तो ये सूखता नहीं है। तो बाहर मोबाइल खुला है, सो गाइज यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन मिर्ची और प्याज डाल के मैंने मिक्सर में चला लेना है, और चलाया है मैंने। तो मैंने एक बार और रेसिपी शूट कर ली थी, तो मैंने आपको इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मसाले डाले हैं, वही मसाले डाले हैं, और इसमें मिर्ची, चिकन मसाला,
और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर बस यही ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट डाल दूंगी। और दो पीस टमाटर मैंने काटने के लिए रख लिया, वो मैं काट के अभी इसी में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, लेकिन इसे भुनने दूंगी तब मैं ऐड करूंगी। सो ये देखिए जो हल्दी मैंने बताई ना, वो एक चम्मच मैं एक्स्ट्रा में डाली हूँ क्योंकि मसालदानी में ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे मैं घी अलग से निकाल रही हूँ और इसमें मैं इलायची डालूंगी और इसमें जो है चिकन फ्राई करूंगी। उधर चिकन बॉयल होने पर रखा था बिकॉज उसमें मैंने नींबू डाला था और नींबू से उसका जितना भी कचड़ा होगा ना, हल्का बहुत जो होगा धुलने के बाद भी, वो अलग हो जाता है और अच्छी सी स्मेल आती है उसमें, मतलब बिल्कुल भी बदबू जो होती है ना थोड़ी बहुत भी चिकन की, वो निकल जाती है। सो ये देखिए इस तरीके से फिर अब मैं इसमें फ्राई भी कर ले रही हूँ और इसमें हल्का सा मैं कलर डालूंगी। ये देखिए मैंने कलर डाला है और आप पहले से भी कलर करके रख सकते हो दही में डिप करके, तो और अच्छा बनता है। तो अभी तो लॉकडाउन में जितनी चीज़ें अवेलेबल है उसी में खाना भी बन रहा है, उन्हीं में सब चीज़ें मिल रही हैं, बन रही है। और हमारे आसपास कोई डेयरी नहीं है अच्छी, तो इसलिए हमने वो वाला दही नहीं लिया, सपरेटा मेरे पास पड़ा था, सपरेटा दही इसमें अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए मसाला भुन के रेडी हो गया, थोड़ा सा सालन लगा दिया मैंने कि गल जाए, और खाना खाने के डाइनिंग टेबल पर ये था और जैसे था वैसे मैंने आपको दिखा दिया। सो सलाद हम ज़रूर लेते हैं क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, बिना सलाद और रायते के मेरे से एक रोटी नहीं खिलेगी। अब एक रोटी मुझे खिला लो। और ये मेरे डॉगी जो दो हैं, एक शेरा है और एक कालू है, जो काला वाला है उसको कालू कहते हैं सब। तो ये कालू की आंखें देखिए रेड रेड सी हो रही थी, तो चार रोटी मैं इनके लिए भी बनाती हूँ और दो रोटी इसको इक्वली देती हूँ, लेकिन कालू बहुत शैतानी करता है, बैठ जाता है लेकिन देखिए यहाँ तक आ जाता है। तो पहले मैं खाना खाने के बाद फिर इनके पास आती हूँ और उसके बाद मैं जाके अपना किचन क्लीन करूँगी, बिकॉज ये जब तक भौंकते रहते जब तक मैं आती नहीं हूँ बाहर। अभी यहाँ पे बर्तन जो है पहले सिंक क्लीन किया और उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए, और यहाँ पे मैं कुकटॉप क्लीन कर रही थी। और देखिए नॉनवेज बनाओ ना तो फिर आपको धोना पड़ता है, तो मैं इस तरीके से धो देती हूँ, अदरवाइज फिर आप पोछ के भी काम चला सकते हो इसको ऐसे कपड़े से। फिर मैंने इसके बर्नर वगैरह सारे में मांज देती हूँ। इसको मैंने गर्म पानी में नींबू डाल के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी अगर डाल लो तो आप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बेकिंग सोडा था नहीं मेरे पास इस टाइम, तो मैंने नींबू डाल के और उसको जो है अच्छे से रब करके फिर वॉश कर दिया, और देखिए कितना क्लीन हो गया है। और मैं डेली ऐसे प्रोसेस करती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता था रोज, लेकिन अभी मैं बहुत दिन बाद मैंने किचन वगैरह सब संभाला है अच्छे से, तो फिर ये देखिए थोड़ा बहुत बचा भी है, जो ग्रीस वगैरह होती है ना वो जम जाती है ऑयल वाला हल्का सा। तो बस बहुत अच्छे से क्लीन हो गया ये, और मैंने धो के इसको सुखा भी दिया है। और किचन में क्लीन करने के साथ साथ मेरे ये मैट का भी काम रहता है, जो डाइनिंग टेबल की मैट होती है ना, उन्हें भी मैं एक शैम्पू लेती हूँ जिससे मैंने नीचे भी धुलाई करनी है अभी, वो मैं एक शैम्पू हमेशा लेती हूँ पर डे का मेरा है। और मैं सनसिल्क या वाटिका यूज़ करती हूँ, इसमें मुझे बहुत अच्छी इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना बहुत अच्छी लगती है, आप इसकी जो खुशबू से ना पूरा घर महक जाता है और मॉर्निंग तक ये रहती है। तो यहाँ मैंने वो वॉश करके रख दी है सूखने खातिर, और सूखने के लिए खातिर बोल रही हूँ सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पानी डाल के फिर अच्छे से धुलाई कर ली, और उस साइड मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ उस कॉर्नर पे सिलेंडर वाले कॉर्नर पे, क्योंकि उधर चावल की रखी हुई है, अगर भीग गई ना तो फिर सारे चावल ख़राब हो जाएंगे, सील जाएंगे। और बस ये करने के बाद ना सुबह तक के जो है ना बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है, कल का काम भी ख़त्म हो जाता है, मतलब एक दो घंटे की सुबह की बचत भी हो जाती है और स्ट्रेस फ्री रहता है। ये सारी चीज़ें एकदम क्लीन कर दी मैंने, सो देखिए बर्तन उधर हो गए हैं और इस ये भी हो गया मेरा। ये जो डिप करके रखा था ये वो वाला है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं जा रहा है बिकॉज ये रगड़ना पड़ेगा, ये चला जाएगा अगर आप रगड़ लेते, लेकिन ये रोज ही ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब ये फ्रिज और कुछ ऐसे सामान जो कि मुझे क्लीन करना पड़ेगा, और इधर हमारे एग रखे हैं। इन सबको भरना है मुझे। ये लाइटर भी मैं इस तरीके से करके मांज देती हूँ और इसको इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ,
और ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल क्लीन हो गया किचन मेरा, आप सब देखें नीचे सब ये चावल रखा है बोरी में, इसमें सब काम से फ्री हो गई हूँ। बस दरवाजे वगैरह सारे लॉक करने, बाहर सारा ताला वगैरह सब पड़ी है। सो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, फेस वॉश कर लिया और जो है अपनी क्रीम अप्लाई कर ली अच्छे से, और बस मैं अब जा रही हूँ सोने। इस व्लॉग की एडिटिंग करूँगी, थोड़ा सा हिल गया व्लॉग, इग्नोर करिएगा। और इतना टाइम हो गया है 12:30 का, और ये टाइम रोज हो जाता है 11:30 से 12:30 तक के ऐसा हो जाता है जब मैं बेड पे सोने के लिए जाती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान, दुआ में याद रखिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।